हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे अपने मैप मेकिंग की क्लासेस, जिसमें हम लोगों ने काफी कुछ देख रखा है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जो प्रीलिम्स स्पेशल और मेंस स्पेशल दोनों ही है। इसका आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बेटर प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। You can also subscribe us for test series and these are the available test series. ये मैंने कुछ locations आप लोग को दिए हुए थे day 11 के लिए, नाथुला, जिलेपला, बुमला, सैंगसुला, जबलपुर, थालघाट, भोरघाट एंड पलक्कड़ पास। तो बेसिकली हम लोगों ने ये locations देखी थी। फटाफट इसके location को जरा देखना शुरू करते हैं और उसकी फिर solution को देखना शुरू करते हैं। तो ये है हमारी अर्थ और यहाँ पर हम लोग इंडिया में आ गए हैं। फटाफट लोकेशन देखना शुरू करते हैं। जब आप देखेंगे, सबसे पहले हम लोग चलते हैं जरा नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए नाथुला। नाथुला के बाद थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऊपर टॉप पे नाथुला आपको देखने को मिलेगा, फिर नीचे ही आपके जस्ट जिलेपला है। जिलेपला के बगल में यहाँ पर आ जाइए आप अपने अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखना मिलेगा, यहाँ पर देखिए दिस इज अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर एकदम म्यांमार के बॉर्डर पे आपको मिलेगा सैंगसू पास। क्लियर हो गया सैंगसू पास। इसके अलावा देखिए यहां पर जब आप आएंगे तो आपको बुमला पास मिल जाएगा। दिस इज देखिए बुमला पास और ये है चाइना के बॉर्डर के पास में, देखिए तवांग के पास एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये चीज हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली। अब जरा आते हैं हम लोग जरा साउथ में। साउथ से पहले देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के पास में एक हमारा जबलपुर पास है, जो कि मैकाल और महादेव के पास में, मतलब दोनों के बॉर्डर पे पड़ जा रहा होता है। यह आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लोकेशन दी हुई है, तो लोकेशन नहीं दी हुई है, यहीं पर आपका जबलपुर है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जबलपुर है, देखिए ये आपका जबलपुर है यहाँ पर और ये पास हो जा रही होती है। क्लियर। इसके बाद साउथ में आ जाइए तो ये हमारी महाराष्ट्र के पास में देखिए थालघाट है, जो कि कनेक्ट कर रही होती है मुंबई को नासिक के साथ में। सिमिलरली भोरघाट है, ये कनेक्ट कर रही होती है मुंबई को पुणे के साथ में। केरल में आ जाइए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्क वगैरह हम लोगों ने देख रखे थे, दिस इज पलक्कड़। तो यहाँ पर पाल घाट आ जाती है, पलक्कड़ भी बोलते हैं इसको। लोकेशन हम लोगों ने देख ली, फटाफट इसको जरा मार्क कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा मैप और यहाँ पर हम लोग जरा लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप बना देंगे, ये हो गई हमारी एक पास हो गई, नाथुला पास हो गई। सिमिलरली इसी के जस्ट नीचे आप बना देंगे, दिस इज आप जिलेपला पास बना लेंगे। क्लियर। यहां पर आप बना लेंगे बुमला पास, दिस इज बुमला पास तवांग के पास में, और यहां पर आप बना लेंगे अपना कौन सा पास, दिस इज सैंगसू पास। ठीक है, फिर यहां पर आ जाएंगे जबलपुर पास, यहां पर आप जबलपुर पास बना देंगे इस तरीके से। थालघाट बना देंगे यहां पर इस तरीके से, भोरघाट बना देंगे इस तरीके से, और पलक्कड़ बना देंगे आप इस तरीके से। बस काम खत्म हो गया आपका। तो पासेस को जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इस तरीके से आपको दिखाना होता है। क्लियर हो गया। लोकेशन के बारे में अब जरा आ जाते हैं इसके 30 वर्ड्स पे फटाफट। नाथुला, जैसा कि हम लोगों ने देखा, इट इज द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। द पास फॉर्म्स पार्ट ऑफ आउटशूट ऑफ एंशियंट सिल्क रूट, द एंशियंट सिल्क रूट का ये पास हुआ करता था। जिलेपला, दिस इज ऑल वेदर पास बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। द पास इज इन सिक्किम एंड द रूट कनेक्ट ल्हासा टू इंडिया, तो तिब्बत के साथ में कनेक्ट कर रहा होता है। द पास वॉज द एंशियंट रूट फॉर ट्रेड, अगेन इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड का रूट हुआ करता था। बुमला, देखा हम लोगों ने तवांग डिस्ट्रिक्ट में है, दिस इज द रूट थ्रू विच इंडिया चाइना गेट्स लैंडवर्ड कनेक्शन, दिस एरिया इज रेजिडेंस ऑफ मोनपा ट्राइब। क्लियर। सैंगसू पास के बारे में आ जाएंगे तो द पास लाइज इन द हिल्स ऑफ पत्काई हिल्स नियर इंडिया म्यांमार बॉर्डर, और दिस पास ऑफर्स वन ऑफ द अर्लीस्ट रूट इन टू बर्मा फ्रॉम द असम प्लेन्स। तो ये चीज हम लोगों ने देख ली है। जबलपुर के बारे में बता देंगे कि यज्ञ जो होता है वो महादेव हिल्स और मैकाल रेंज के बीच का गैप है। द पास इज इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, इट इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रोड कनेक्टिविटी, N7 पास हो जा रही होती है इसी के थ्रू, और इनफैक्ट ट्रेड वगैरह में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साउथ इंडिया से, मतलब सेंट्रल इंडिया वाला ये जो पार्ट है, ये जो पास है, वो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा थालघाट और भोरघाट एक साथ ही लिख दिया गया है कि दोनों के दोनों सह्याद्री रेंज में होती है, महाराष्ट्र में है, एंड द गेटवे ऑफ मुंबई एंड कनेक्ट मुंबई टू नासिक, एंड सिमिलरली भोरघाट जो होता है गेटवे ऑफ कोंकण, जो कनेक्ट कर रहा होता है मुंबई को पुणे से। क्लियर। लास्ट वन पलक्कड़ पास के बारे में है, द पास इज इन द रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट नियर पलक्कड़ टाउन ऑफ केरला, द कैप इज द लोएस्ट पास थ्रू वेस्टर्न घाट, इट इज ऑल्सो द ओनली आउटब्रेक इन दैट स्ट्रेच ऑफ घाट दैट अदरवाइज रन्स अलॉन्ग द इंटायर ईस्टर्न रेंज ऑफ केरला, आइसोलेटिंग द स्टेट फ्रॉम नेबरिंग टाउन तमिलनाडु। ठीक है,
तो ये हो जाती है हमारी लोकेशन। आगे जरा बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट डे के लिए। ये देखिए अगेन डे 13 होगा यहाँ पर, ये मिस्टेक है, दिस इज डे 13। आपको लोकेट कौन कौन सी करनी है, एक करनी है दिप्सा पास, दिहांग पास, दीपू पास, इमिस पास, कुंजरे पास, देन लनाकला पास, फिर लिखा पानी पास। तो ये बेसिकली जो है कुछ पासेज हैं, कुछ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कुछ आप लोग के लिए भी नया होगा, कोई बात नहीं, इसको लोकेट करिएगा, इसके बारे में लिखिएगा एंड देन हम लोग कल मिलते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, फटाफट ज्वाइन करके आप उसके लोकेशंस मतलब कि अपने डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।